नमस्कार, टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार चौहान, जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज का ये वीडियो माइनिंग के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि माइनिंग के बच्चों को एक सर्टिफिकेट फर्स्ट एड जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज फर्स्ट एड के ही एक सेंटर पर मैं हूँ, बोकारो के, और मैं सर हमारे सामने हैं डॉक्टर निशांत सर, और सर से मैं आज इसके बारे में पूरा डिटेल बात करूंगा। तो सर मुझे बताएं कि यहाँ सेंटर में किस किस तरह की व्यवस्था है और बच्चे कब कब कर पाएंगे, क्या ड्यूरेशन है, क्योंकि नया सिस्टम है, काफी कुछ चेंज हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले बच्चों को अपडेट करें कि नया सिस्टम में क्या क्या है और यहाँ कैसे बच्चे कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हमारा जो सेंटर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद आकाश हॉस्पिटल, DGMS का जो नया गाइडलाइन था, गेजेट था, उसके तहत हमारे यहाँ 22 जनवरी को एक इंस्पेक्शन किया गया था और हमारे सेंटर को अप टू डेट मार्केबल माना गया और जितनी भी फैसिलिटीज उन लोगों के द्वारा मांग की गई थी वो सारा चीज यहाँ पे पाया गया, जिसके आलोक में 25 तारीख को हम लोगों को एफिलिएट किया गया है। हम लोग यहाँ से फर्स्ट एड ट्रेनिंग और फर्स्ट एड सर्टिफिकेशन दोनों करेंगे। यह जो पूरा ट्रेनिंग रहेगा इसमें 10 दिनों का ट्रेनिंग है और 11वां दिन बच्चों का एग्जाम होगा। होपफुली उस एग्जाम के 2-3 दिनों के भीतर में हम लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे देने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो ट्रेनिंग चलेगा, अभी हम लोग एक बैच अनाउंस किए हैं 3 फरवरी से हम लोगों का पहला बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो सर ये लगभग 11 दिनों का, मतलब 10 दिनों का क्लासेस और 1 दिन लास्ट उनका 11 दिन का उनका ट्रेनिंग होगी। हाँ। और अभी DGMS की जो गाइडलाइन के अनुसार है तो उनके अनुसार ये टोटल आपको लेसंस एकदम कंप्लीट मिल चुका है। तो बच्चे इस चीज के लिए निश्चिंत रहे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि नहीं, ये सर्टिफिकेट हमको मिल रहा है तो फिर कैसा DGMS से अप्रूव्ड है, एफिलिएटेड है। ओके, तो ये बच्चों के लिए बड़ी बात है। और दूसरी बात कि बच्चे अगर करना चाहें तो 3 तारीख और उसके बाद अगर दूसरा बैच हो, प्रोबेबली हम लोगों को लग रहा है कि दूसरा बैच हम लोग 10 फरवरी से तो बच्चों को ये मिल सकता है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ का सारा कॉन्टेक्ट नंबर है और बाकी मैं आप लोगों को पूरा अभी लैब सेटअप दिखा देता हूँ कि किस तरह का लैब सेटअप है, सारी चीजें की व्यवस्था। और इसके लिए मैं लोकेशन बता देता हूँ कि ये लोकेशन जो है बोकारो में आपको चास, और चास में आप यहाँ पहुंचेंगे भगवती कॉलोनी। तो कैसे पहुंचेंगे, तो चास में आप नीलम नर्सिंग होम हॉस्पिटल है रोड पर, और वहीं से बगल से भगवती कॉलोनी के लिए एक रास्ता है, और वहां जैसे ही आप भगवती कॉलोनी के रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट मोड़ पर ही बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड लगा हुआ वहां से लोकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और वहां से टर्न लेना है, आपको बोर्ड ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। बाकी मैं लोकेशन आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दूंगा। तो चलिए भाई, अब मैं आप लोगों को लैब घुमाता हूँ। और एक और बात जानना चाहेंगे सर कि जैसे जो बच्चे आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनके कोई साइट जहां पर बच्चे अगर कंसल्ट करना चाहें या डायरेक्ट, हम लोगों का एक साइट है www.hfwf.org जो अगले 2 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी स्टार्ट है मगर उसमें कुछ अभी अपडेट्स चल रहा है, तो फुली सभी लोगों के लिए वो 2 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें सारा डिटेल से सब चीज आएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, सारा डिटेल आप वहां से भी ले सकते हैं, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसे दे दूंगा, सारा डिटेल नंबर भी मैं यहाँ का दे दूंगा, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपको पूरा लेयर सेटअप दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।